वेलकम टू बानीक यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के ASO रिजल्ट डिस्कशन में। जैसे कि आप सभी को पता होगा आज 27 तारीख ASO का एग्जाम हुआ है, तो उसका जो GS सेक्शन है उसको मैं आज क्या करूंगा, आपका डिस्कशन करेंगे। आर्ट्स का सेक्शन मैं करवा देता हूं, उसके बाद साइंस के सर आएंगे, आपके साइंस और बाकी जो सेक्शन बच गया उसको आपका सर डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, इन द गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द 2022-2023 बजट, इंस्टेंट ऑफ यूजिंग द टर्म क्रिप्टो करेंसी द टर्म डैश इज यूज्ड। आपको पता होगा हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी इस बार जब बजट प्रेजेंट कर रही थी तो उन्होंने क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी के जगह, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी उन्होंने जो टर्म यूज किया था वो था आपका, याद देखिएगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ठीक है, जो टर्म यूज किया गया था वो क्या था आपका, D1 का D, क्लियर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। आपके जानकारी के लिए बता दूं, हम जो ये सेट डिस्कशन करने जा रहे हैं ये सेट ए है, क्लियर, सेट ए का सारा आंसर आपको बताया जा रहा है, बाकी सेट आप उसी से आपको आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है द क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकरेंसी की जगह कौन सा टर्म यूज किया गया है, तो वो यूज किया गया था आपका डी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखिए, दो नंबर, विच स्टेट इन इंडिया प्रेजेंटेड चाइल्ड बजट एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल स्टेट बजट। चाइल्ड, बच्चों को ऊपर ध्यान देकर क्या किया गया था, एक स्पेशल बजट पेश किया गया था पहली बार हमारे इंडिया में किसी स्टेट के द्वारा, और वो था आपका डी, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, टू का आंसर क्या होगा आपका, डी, मध्य प्रदेश, जिसके चीफ मिनिस्टर आपके हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल हो गया आपका भोपाल, उनके द्वारा पेश किया गया था क्या, तो उनके मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया था पहली बार चाइल्ड बजट। तो दो का आंसर होगा आपका, याद रखिएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तीन नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए डिसीजन टू कन्वर्ट 150 विलेज इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस विथ टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या करेगा, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था 100 स्मार्ट सिटी, उसी प्रकार से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जो कि आपका विलेज ऑफ एक्सीलेंस, 150 विलेज को बनाया जाएगा, तो इसमें कौन से कंट्री हमारा हेल्प करेगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद रखिएगा, बी, इजराइल। इजराइल आपका हेल्प करेगा इंडिया को क्या, तो इजराइल आपको इंडिया का हेल्प करेगा आपको बनाने में क्या, विलेज ऑफ एक्सीलेंस 150 विलेज में। क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन खत्म कंप्लीट होता है आपका। चार नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चार नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशन सजग लॉन्च बाय द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसका नाम था क्या, ऑपरेशन सजग। तो इसमें से कौन सा वो आपका इनिशिएटिव नहीं है, इसमें से टू कर्व एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज, ये आपका है, कीपिंग टैप ऑन क्राइम, ये भी आपका है, इंटेंसिव चेकिंग एट पिकेट्स, ये भी सही है आपका, स्पेशल रिवॉर्ड्स ऑफ ट्रैफिक फ्रेंडली ड्राइवर्स, क्लियर, ये जो इनिशिएटिव है ये इसमें नहीं, ऑपरेशन सजग में ये वाला आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। कौन सा, डी, स्पेशल रिवॉर्ड्स टू द ट्रैफिक फ्रेंडली ड्राइवर्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद रखिएगा, फोर्थ का डी, क्लियर, ऑपरेशन सजग। क्या दिया है, नॉट दिया है, तो क्या होगा आपका, डी, स्पेशल रिवॉर्ड टू द ट्रैफिक फ्रेंडली ऑफ ड्राइवर्स। क्लियर हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार नंबर कंप्लीट होता है, पांच नंबर पे आ जाइए। पांच नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, द GSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ कंट्रीज फास्ट जूलॉजिकल पार्क। इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क कहां पे बनाया जाएगा, ओके, GSI के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद रखिएगा, पांच का ए, लमेटा जबलपुर। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, वहां पे क्या किया जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, GSI के द्वारा क्या किया जाएगा, इंडिया का पहला क्या बनाया जाएगा, जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। इसका सही आंसर होगा क्या आपका, फाइव का ए, क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। छह नंबर, मैच करना है, देखिए यहां पे क्या दिया है, डांसेस दिया है, ठीक है, डांसेस दिया है। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, देखिए आपको मैच करना है किसी ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना रहता है हमको, किसी एक क्वेश्चन को मैच करने का कोशिश करना पड़ता है। मेरे को पता है कि ये जो बॉम्बू डांस है,
क्लियर। ये जो बम्बू डांस है ये रिलेट करता है किससे, तो ये रिलेट करता है मिजोरम से, ठीक है। बम्बू डांस मेरे को पता है कहां देखने को मिलता है, तो बम्बू डांस हो गया आपका मिजोरम। मेरे को एक पता चल गया कि भाई दो का क्या होगा आंसर, थ्री होगा। दो का आंसर क्या होगा आपका, थ्री होगा। अब इसमें मेरे को देखना है कि दो का थ्री किसमें दिया है। देखिए पहले ही ऑप्शन में जाइए, वन का टू, वन का दिया है टू दिया है, दो का तीन दिया है। देखिए दो का तीन किसमें दिया है, ए नंबर ऑप्शन कहीं पे दिया है क्या, दो का एक, देखिए दो का एक, दो का चार, तो आंसर क्या होगा दो का तीन। और उसके बाद हो गया आपका मणिपुर, तो मणिपुर हो गया आपका कौन सा, इस प्रकार से मैच कर लीजिए आप लोग, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका सिक्स का ए। क्लियर। मेघालय हो गया आपका कौन सा, वांगला डांस, मिजोरम हो गया आपका बम्बू डांस, मणिपुर हो गया आपका थांगटा, और त्रिपुरा हो गया आपका होजागिरी, होजागिरी डांस। ये डांस बताया गया आपको, ठीक है, ये आपका डांस बताया गया। तो सिक्स का सही आंसर होगा क्या आपका ए, सिक्स का सही आंसर क्या होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सात नंबर दिया है क्वेश्चन, क्या देखिए, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज इंट्रोड्यूस द डाटा साइंस सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट फॉर इट स्टूडेंट ऑफ 8 टू 12 क्लास इन कोलाबोरेशन विद डैश कंपनी। यहां पे क्या किया जाएगा, जो बच्चे उनको क्या दिया जाएगा आपका, डिजिटल ट्रेनिंग दिया जाएगा आपका, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बताया जाएगा आपका, कोडिंग बताया जाएगा। तो इसके लिए किसके साथ आपका टाइप किया गया है, सीबी आपका किसके द्वारा, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेवन का सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या किया गया है, टाइप किया गया है। सेवन का सही आंसर क्या होगा, तो सेवन का सही आंसर होगा आपका, याद रखिएगा सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आठ नंबर आ जाइए, आठ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट दिया है। देखो क्वेश्चन को सही से समझना है हमको, नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं आपसे पूछा है, देखते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस हैज लॉन्च डीप ओशियन मिशन, सही है भाई, डीप ओशियन मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट दो नंबर क्या दिया है, द मिशन मोड प्रोजेक्ट इज टू सपोर्ट टू द ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ग्रीन इनिशिएटिव आपका क्या जाएगा, तो ये भी आपका सही है बी। सी नंबर क्या दिया, देखिए दिस प्रोजेक्ट इज एम टू स्टडी द बायोडाइवर्सिटी द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना। एंड डी नंबर दिया है, इन 2022 इंडिया साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी, ये जो सही है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका कौन सा, एट का आंसर होगा आपका डी। क्लियर, एट का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका डी। क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए नाइन नंबर, नाइन नंबर क्या दिया, देखिए डिजिटल इंडिया भाषिनी इज, जो भाषिनी है वो क्या है। क्लियर, जो भाषिनी प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है वो क्या है, तो भाषिनी क्या है याद रखिएगा, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, क्या है ये भाषिनी, तो भाषिनी है आपका याद रखिएगा इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। क्लियर, यहां पे क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई का यूज करके क्या करेंगे हम लोग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का किया जाएगा। क्लियर, तो ये आपका हो गया कौन सा, भाषिनी। तो नाइन का सही आंसर होगा आपका याद रखिएगा ए, भाषिनी हो गया इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया आपका, नौ नंबर कंप्लीट होता है। आ जाइए दस नंबर पे, दस नंबर क्या दिया देखिए, देखिए क्वेश्चन बार बार क्लियर, अगर आप लोग बानी के एएसओ चैनल को फॉलो कर रहे हो, बानी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, कंस्टेंटली आप लोग देख रहे हो, हजार बार क्लास में इसको डिस्कशन कराया गया है। क्लियर, क्या क्वेश्चन है, द थीम ऑफ अर्थ डे 2022 इज, 2022 का अर्थ डे का थीम क्या है, तो सही आंसर होगा क्या आपका, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, 10 का सही आंसर होगा आपका डी। कोई भी बच्चा अगर क्या कर रहा है, बानी के YouTube चैनल को अच्छे से फॉलो किया है, कॉन्स्टेंटली एसओ रिलेटेड वीडियो देख रहा था, जीएस का 70% से लेकर 80% क्वेश्चन वो बच्चा कर लेगा। क्लियर, सारा चीज यहां पे बताया गया है, सारा का सारा चीज, क्लियर सारा का सारा चीज बानी का YouTube चैनल में बताया गया है, आपको बस उसको फॉलो करना था। क्लियर, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया इस बार, चलिए आ जाते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए द चांगला लूनर स्पेसक्राफ्ट मिशन इज अंडरटेकन बाय चाइना, सही है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज फाउंड वाटर एट द लैंडस्लाइड साइट, मून में क्या करना है इसका, पानी खोजने का काम है इसका। चलिए, इट इज द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ रशिया, ये जो स्टेटमेंट है
कि इट इज द थर्ड लूना एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ रशिया, ये गलत है। देखिए, सबसे पहले लून के ऊपर जो मिशन लॉन्च किया गया था वो दिया लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, दूसरा लॉन्च किया गया था यूएसए के द्वारा, और तीसरा लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। अब ऊपर का स्टेटमेंट देखिए, कोई भी बच्चा अगर सिंपल सा लॉजिक लगाएगा इसको क्वेश्चन को कर लेगा। देखिए, द चैंग ला लूनर स्पेसक्राफ्ट मिशन इज अंडरटेकन बाय चाइना, यहां पे ये आंसर दे दिया है। फिर यहां पे क्या पूछा है, इट इज द थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ रशिया। अब रशिया के द्वारा थोड़ी लॉन्च किया, ऊपर आंसर दिया है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था बोल के, क्लियर। और चार नंबर दिया है द चैंग ला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड ऑन नवंबर 23, 2020, क्लियर, नवंबर 3, 2020 को लॉन्च किया गया था। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो जो तीन नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, याद रखिएगा, बी, 11 का बी, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 12 नंबर पे आ जाइए। Which country recently passed a law to make ethnic unity mandatory? Mandatory कर दिया है ethnic unity को। ये बहुत ही important था, issue में था, ये था आपका क्या, तिब्बत, जिसके कारण क्या हुआ था, चाइना वाले, चाइना पे आपको पता होगा तिब्बत के ब्रिक्स का कब्जा है, चाइना का कब्जा है, तो चाइना बहुत ज्यादा इसको लेकर issue किया था, क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 12 का ए, तिब्बत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 12 नंबर खत्म होता है आपका, 13 नंबर पे आ जाइए। Which of the following country is not a member of SAARC? देखिए, हजार बार इसको भी कराया गया क्लास, सार्क का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, क्लियर। सार्क का मतलब आपका जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कटामांडू में देखने को मिल जाएगा, और इसका मेंबर कौन नहीं है, तो सिंगापुर इसका मेंबर नहीं है। इंडिया और उसके आसपास के कंट्री को आप लोग देख लो, ठीक है, इंडिया और उसके आसपास के कंट्री को आप लोग देख लो, सही आंसर हो जाएगा आपको, मिल जाएगा, क्लियर। इसका सही आंसर होगा 13 का सी, सिंगापुर इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, क्लियर। सार्क का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है, तो सार्क का मेंबर आपका सिंगापुर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 14 नंबर आ जाइए। 14 नंबर क्या है, द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस वाज हेल्ड एट, 15वां जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका, याद देखिएगा, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल में हुआ था, ठीक है, सियोल में आपका, याद देखिएगा, 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, सियोल कोरिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर पे आ जाइए, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस ए बाइनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका यूपीएससी 2022 से पब्लिश किया गया है, ठीक है, यूपीएससी 2022 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, क्लियर। यूपीएससी का जो आईएएस एग्जाम हुआ था इसमें क्या कहता, डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एसयू एग्जाम में आया है, क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा है कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस बाइनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है, याद रखिएगा, कौन, तो ये पब्लिश किया जाता है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, क्लियर। यूपीएससी 2022 के डायरेक्ट क्या हो गया आपका, 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी 2022 में जो क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस का, उससे 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है इस बार एएसओ एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, 16 नंबर क्या दिया है, देखिए, मीनामाता कन्वेक्शन जो कि 2013 में हुआ था, याद रखिएगा, मीनामाता कन्वेक्शन कब हुआ था, तो ये आपका 2013 में हुआ था, क्लियर, 2013 में हुआ था। तो इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट, किसके लिए डिस्कशन किया गया था इसमें, तो ये आपका याद रखिएगा, मर्क्यूरी पॉल्यूशन, क्लियर, मर्क्यूरी पॉल्यूशन को लेकर, किसके लेकर, मर्क्यूरी पॉल्यूशन को लेकर ये आपका था। तो 16 का सही आंसर होगा क्या आपका, 16 का सही आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 17 नंबर आ जाइए। 17 नंबर क्या दिया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यूक्रेन इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया, यहीं पे गलत मार गया, यूक्रेन 2nd लार्जेस्ट है, याद रखिएगा, यूक्रेन 2nd लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कौन सा यूरोप का कंट्री, रशिया, दूसरा हो गया आपका यूक्रेन, एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़ा कंट्री हो गया आपका यूक्रेन, तो स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अब मेरे को आगे नीचे जाने देखने का जरूरत है नहीं, सही आंसर होगा आपका ए, यूक्रेन आपका 2nd लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का, नॉट आपका 4th लार्जेस्ट, बाकी जो सही स्टेटमेंट है, देखिए, केव इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूक्रेन, सही है, इट शेयर इट्स बॉर्डर विद रशिया ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, सही है ये भी, इट हैज द कोस्ट लाइन अलोंग द सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव के साथ आपका क्या करता है, कोस्ट लाइन है इसका, क्लियर हो गया आपका, तो इसका सही आंसर होगा क्या आपका, 17 का सही आंसर होगा आपका ए, क्लियर। नेक्स्ट 18 नंबर पे आ जाइए,
According to the charitable and foundation, which country top world giving index? World giving index में कौन सा country top किया है? तो इसका सही answer होगा आपका, याद रखिएगा, क्या सही answer होगा आपका 18 का C, इंडोनेशिया। डेली करेंट अफेयर आपका दो सीरीज आया था, ईयरली करेंट अफेयर का दो सीरीज आया था, पार्ट वन पार्ट टू, जाके देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है इसमें से, क्लियर। पार्ट वन पार्ट टू से जो दो सेक्शन किया गया था बानी के यूट्यूब चैनल में, डायरेक्ट क्वेश्चन सब यहीं से आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19 नंबर पे आ जाइए। क्या दिया है? विथ विच अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर दीपक धार शेयर द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स फॉर द ईयर 2022। क्लियर, किसको मिला है, कौन से आपका मिला है, क्या मतलब आपका पूछा है, विच अमेरिकन साइंटिस्ट, कौन से अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ आपका प्रोफेसर दीपक धार को क्या मिला है, आपका बोल्ट्जमैन मेडल आपका फिजिक्स में मिला है 2022 का, क्लियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद रखिएगा, जॉन हैपफील्ड, क्लियर, जॉन हैपफील्ड, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19 नंबर कंप्लीट होता है, 20 नंबर पे आ जाइए, धर्म गार्डियन। ओके, हजार बार मैं खुद क्लास में पढ़ा दिया हूं ये वाला, क्लियर, हजार बार इसको पढ़ाया गया, धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन, बारीक का मेटेरियल लेके जाइए, खोल के देखिएगा, धर्म गार्डियन आपको पहले देखने को मिलेगा, क्लियर। तो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज कंडक्टेड किया गया था कौन से दो कंट्री के बीच में किया गया था, तो ये हो गया आपका, याद देखिएगा कौन सा, ये हो गया आपका इंडिया और जापान, क्लियर, इंडिया और जापान, इंडिया और जापान के बीच में होता है, याद देखिएगा, धर्म गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइजेस, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, अच्छा, Which of the following is not matched pair? इसमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है, ठीक है, देखते हैं। गुलाब सिंह जम्मू, ठीक है, दुलीप सिंह पंजाब, साहस सुजा, ये हो गया आपका रोही खांड, और आपका वजीद अली शाह अवध। आप लोग याद कीजिए थोड़ा, बैटल ऑफ बक्सर को याद कीजिए, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर को थोड़ा याद कीजिए, बैटल ऑफ बक्सर में जो साहस सुजा दोल्ला था, कहां से था भाई, कहां से था, बंगाल से था, क्लियर। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच, जो पूछा है आंसर होगा आपका सी, क्लियर, 21 का सही आंसर होगा क्या आपका सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच इज नॉट मैच्ड पेयर, इसमें से भी कौन सा सही से मैच नहीं किया है पूछा है, चलिए देखते हैं। कृष्ण राजा उदयार मैसूर, निजाम मुल्क उल असबसा हैदराबाद, गोविंद चंद्रा, गोविंद चंद्रा आपका चचार, और जमान शाह पेशावर, इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा 22 का सी, 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद देखिएगा सी, क्लियर। नेक्स्ट 23, क्लॉज 43 ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंसर्न्ड, क्लियर, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो चार्टर एक्ट आपका 1813 था, उसका क्लॉज 43 क्या था, क्लॉज 43 था आपका, याद देखिएगा, एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, एजुकेशन इन इंडिया, क्लियर, फॉर द नॉर्मली यू कैन से दैट व्हाट द प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में किस प्रकार से क्या कह सकता है आपका, प्राइमरी एजुकेशन को डेवलपमेंट किया जा सकता है, प्राइमरी एजुकेशन को किस प्रकार से क्या कह सकता है आपका, डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसके लिए क्या किया गया था, एक कमीशन बनाया गया था चार्टर एक्ट क्लॉज 43 में, क्लियर, और वो कमीशन का नाम था, याद देखिएगा क्या कमीशन का नाम था, याद देखिएगा हंटर कमीशन, क्लियर, कमीशन का नाम क्या था, हंटर कमीशन का नाम था, याद देखिएगा हंटर कमीशन, चार्टर एक्ट 1833 के कमीशन बनाया गया था एजुकेशन इन इंडिया के लिए, क्लियर हो गया आपका। तो 23 का सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, हम लोग भी जब इसका आंसर निकाला थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था यहाँ पे, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद देखिएगा सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है, देखिए आपको क्या पूछा है, ये आपको पूछा है कहाँ पे, टाइम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इन द प्रॉपर ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाइएस्ट, क्लियर, लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको पूछा है, क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा सी, मुंसिफ कोर्ट, जिला कोर्ट, सदर अमित कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत, ये आपका एक हायरची जो है आपका कोर्ट का जो स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से हमारे ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जो कोर्ट का स्ट्रक्चर बनाया गया था उसके बारे में ये बताता है। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद देखिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 25, भांगी, भांगी, भांगी वाज ए क्लान दैट रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ पंजाब, राजा अमृत सिंह, अमृत क्या नाम होता है उनका, अमृत सिंह, क्लियर, रंजीत सिंह, सॉरी, राजा रंजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, तो एक विलेज है आपका पंजाब में भांगी, वहीं से आपका, तो रिलेट करता है कहां से आपका, पंजाब से आपका रिलेट करता है। 25 का सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा डी, 25 का सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट
एक श्लोक दिया गया है, एक श्लोक दिया गया है, एकम सात विप्रा बहुध वदंती कॉम्स फ्रॉम, ये एक्चुअली कौन सा वेद से आया है, तो ये आया है याद रखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का श्लोक नंबर वन, श्लोक नंबर जो वन है वहीं से आपका डायरेक्ट लिया गया है इसको, तो इसका सही आंसर होगा आपका याद रखिएगा सी वेदास, कहां से लिया गया है 26 का सही आंसर होगा आपका सी वेदास। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, डेन्यूट्रलाइजेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ, डेन्यूट्रलाइजेशन किसका रिजल्ट था, तो इसका सही आंसर होगा आपका याद रखिएगा ए एन एफर्ट बाय द कॉलोनियल रूलर्स टू डिस्ट्रॉय इंडियाज इकोनॉमी, ओके एन एफर्ट बाय द कॉलोनियल रूलर्स टू डिस्ट्रॉय द इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज को इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, यहां पे बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका सही आंसर होगा आपका याद देखिएगा बी, क्लियर। क्या दिया है देखिए, मोहनदास करमचंद्र गांधी रोट हिंद स्वराज, सही है हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था आपका, विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी, यहां पे क्या किया आपको, जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है क्वेश्चन को, समझ में आया, सिंपल सा बात है, ऐसा क्वेश्चन अगर दे रहा है तो देखिए बहुत इजी है देखने में क्वेश्चन, बहुत इजी है, लेकिन कोई बच्चा क्या देखेगा क्वेश्चन देख के डर के मारे छोड़ देगा इसको, करेगा ही नहीं, क्लियर। सही आंसर इसका क्या है देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज लिखे थे, सही आंसर कोई डाउट नहीं है इसमें, विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी, ये भी सही है, जवाहरलाल नेहरू फाउंडेड द नेशनल हेराल्ड मदन मोहन सॉरी नेशनल हेराल्ड, अभी भी केस चल रहा होगा पता होगा नेशनल हेराल्ड का सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर, क्लियर। तो ये आपका देखिए नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय चेयरमैन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम, सही है, गणेश शंकर विद्यार्थी वाज द एडिटर ऑफ द प्रताप, सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्लियर। बुक्स एंड ऑथर्स, जब आप लोग जाइएगा बुक्स एंड ऑथर्स में, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा, बुक्स एंड ऑथर्स में इतिहास के समय में जो बुक एंड ऑथर था वहीं से आपको क्या दे दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच रूलर वॉज नॉन एज बट सिकान, किस रूलर को हम लोग क्या बोलते हैं, बट सिकान बोलते थे, तो ये हो गया आपका याद देखिएगा बी सिकंदर शाह मीरी, सिकंदर शाह मीरी को क्या बोला जाता था आपका, सिकंदर शाह मीरी को आपका बोलते थे क्या, बट सिकान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर, द फाइव प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वॉज ए सस्टेनेबली ऑफ रिट्रिएशन ऑफ, देखिए 1959 में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था पांच पॉइंट को लेकर, जिसको बोला जाता है क्या, पंचशील एग्रीमेंट, क्या बोला जाता है इसको, पंचशील एग्रीमेंट बोला जाता है, और ये किसका है, तो किसका रिट्रिएशन है, तो ये आपको याद रखिएगा यूएन चार्टर, ठीक है, यूएन चार्टर एक्ट जो बोल सकते हो उसका क्या है आपका ये रिट्रिएशन है, ठीक है। तो 30 का सही आंसर होगा आपका ए 31। अच्छा 31 जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे इसके बाद जो सर आएंगे वो आपका पॉलिटी का सारा क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, डिस्कशन करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी का स्केप कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए 31, चलिए 32 पॉलिटी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं 33, 34, 35, 36, 37 भी पॉलिटी क्वेश्चन है, 38 भी पॉलिटी के क्वेश्चन है, 39 पॉलिटी क्वेश्चन, 40 भी पूछेगा क्वेश्चन, 41 देखिए पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। कोई बच्चा अगर पॉलिटी से अच्छा से किया है तो कम से कम 20-25 मार्क पॉलिटी से आ गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स के भी जो क्वेश्चन हो गए सर आपका करा देंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का जो सर इसके बाद आएंगे वो आपका क्वेश्चन डिस्कशन करा देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन है सर आप आएंगे तो करा देंगे। चलिए आ जाइए डायरेक्ट 52 नंबर पे आइए, ठीक है, 52 नंबर पे आज आप लगा जाइए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देखिए, 52 क्वेश्चन दिया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपका गुरुग्राम, करंट अफेयर फॉलो किए हो बानी के यूट्यूब चैनल का, आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है, क्लियर। 52 का सही आंसर क्या होगा आपका, ए गुरुग्राम। बानी का जो दो वीडियो आया था, करंट अफेयर सीजन, करंट अफेयर वन, करंट अफेयर टू ईयरली, डायरेक्ट उसमें से 20-25 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ गया है, ठीक है ना। चलिए 53 नंबर पे आ जाते हैं, 53 नंबर क्या दिया है देखिए,
Which country hosted the virtual mode of the summit meeting of the 20th Shanghai Cooperation Organization in November 2021 में SCO का जो virtual meeting हुआ था वो कहां पे हुआ था, question पूछा है। तो इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका, याद रखिएगा, कजाकिस्तान में हुआ था। Prime Minister मोदी भी क्या कहते थे, participate किए थे by the virtual mode। ठीक है, next 54। देखो 54 ये बार बार आपको नाटो था, यूएसए और आप सॉरी रशिया और यूक्रेन वार के बाद बार बार नाटो का वर्ड यूज हो रहा था, बार बार आपको क्लासों में बताया गया था कि नाटो में कितने मेंबर थे, नाटो का हेडक्वार्टर क्या है। दो क्वेश्चन नाटो से डायरेक्ट दिया है, दो क्वेश्चन नाटो से डायरेक्ट दे दिया है। क्या दिया है, व्हाट आर द टोटल मेंबर कंट्री ऑफ नाटो, नाटो का टोटल मेंबर कंट्री कितना है, 30। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद का क्वेश्चन दिया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, तो आंसर होगा आपका क्या, 55 का सी, ब्रसेल्स। वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, तो आंसर होगा आपका सी, ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में देखने को मिलेगा क्या आपको, हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा किसका, तो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको नाटो का। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पे आ जाइए। विच कंट्री होस्टेड द, क्या दिया गया, थोड़ा यहां पे स्पेलिंग भी हो गया, फिफ्थ समिट मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक इन वर्चुअल मोड इन मार्च 2022। बिम्स्टेक का मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज किया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया था, याद देखिएगा, श्रीलंका। कौन ऑर्गेनाइज किया था, तो ये क्या गया था, श्रीलंका। आपको पता होगा श्रीलंका भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि श्रीलंका का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपका सही नहीं है। 57, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉज द इलेक्टेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन पार्मेंट मेंबर इन जून 2022। जून 2022 में कौन सा, आपका पता होगा सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं आपके पार्मेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके नॉन पार्मेंट मेंबर होते हैं। 5 पार्मेंट मेंबर को पता होगा कौन कौन से हैं, तो ये है आपके यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। क्लियर, अभी इंडिया क्या है, तो इंडिया आपको ये जो नॉन पार्मेंट मेंबर 10 दिख रहे हैं उसमें क्या है आपका इंडिया मेंबर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो अभी 2022 में बना है वो बना है आपका, याद देखिएगा, मोजाम्बिक। किसको बनाया गया है, तो मोजाम्बिक आपका नॉन पार्मेंट मेंबर बना है। तो सही आंसर होगा 57 का ए। 58, हाउ मेनी ईयर्स डज ए नॉन पार्मेंट मेंबर सार्व द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नॉन पार्मेंट मेंबर कितने साल तक कर सकता है, तो ये आपका याद देखिएगा, नॉन पार्मेंट मेंबर का होता है आपका 2 साल। ठीक है, जितने भी नॉन पार्मेंट मेंबर होते हैं वो कितने साल तक कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आपका, याद देखिएगा, 2 साल तक कर सकते हैं। तो 58 का सही आंसर होगा क्या आपका, 58 का सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, ठीक है, 58 का सही आंसर होगा आपका बी, 2 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑर्गेनाइजेशन विजन इज टू एनेबल वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। ऑब्वियसली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक ही तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, तो इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर पे, 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 60 नंबर क्या दिया है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विथ विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड। ओके, किसके साथ ये एसोसिएट करता है, विथ विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। 60 का सही आंसर होगा आपका ए, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट करेक्टली मैच विद रेस्पेक्ट टू द नेम ऑफ द प्लेट्स एंड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। इसमें से कौन सा सही नहीं है, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट आर डाइवर्जेंट प्लेट। पहले तो जान लो यहां पर जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दिया इसका मतलब क्या होता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है, देखिए, अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या और एक दूसरे के करीब आती हैं तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्लियर, इसको बोला जाएगा क्या आपका, कन्वर्जेंट बोला जाएगा। लेकिन दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होगा, जब एक दूसरे से क्या होती है आपका दूर जाती है तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, यहां देखिएगा, डाइवर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तो उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट, और जब दूर जाती है तो उसको बोला जाता है क्या आपका, डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो यहां देखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट डाइवर्जिंग प्लेट नहीं है, दे आर द कन्वर्जिंग प्लेट। वो क्या होती है, कन्वर्जिंग प्लेट है। द नाजक प्लेट एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट्स आर डाइवर्जिंग प्लेट। ये आपका सही आंसर है, 61 का सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद देखिएगा, बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज फाउंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा आपको देखने को मिलता है, तो ये हो गया आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, ओशियन करंट जो हो गया आपका दो प्रकार की होती है, वार्म और कोल्ड, और ये जो ओशियन करंट है ये आपको देखने को मिलता है कहां पे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपको देखने को मिलता है साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। चलिए 63 नंबर पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये ग्रासलैंड का बात क्या है, पेरिस ग्रासलैंड कहां देखने को मिलता है, पंपास कहां देखने को मिलता है, वेल्डेड स्टेपी। तो ये जो पंपास दिया गया है, नॉर्थ अमेरिका जो दिया गया है, ये एक्चुअली देखने को मिलता है कहां पे, ये आपको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है पंपास ग्रासलैंड। क्लियर, क्लास में बताया गया था। क्लियर, तो इसका सही आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच दिया गया है, तो सही आंसर होगा 63 का बी, पंपास कहां देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। क्लियर, 64 में आ जाइए, 64 में आपको मैच करना है। क्लियर, ब्लॉक माउंटेन, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, रेलिकेट माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन आपको मैच करना है। देखिए दुनिया का सबसे यंग ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, तो यंग माउंटेन हो गया आपका हिमालय। अब डी का वन किसके दिया गया है, देखिए एक ही तो ऑप्शन है, यंग फोल्ड माउंटेन सबको पता है कि कौन सा है आपका हिमालय, दुनिया में सबसे यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है, हिमालय। अब देखिए डी का वन किसमें है, डी का वन आपका सी में है, देखिए डी का वन किसमें आपका सी में है, तो सही आंसर होगा आपका याद देखिएगा सी। क्लियर, 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 65 में आ जाइए, 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा याद देखिएगा एलुटियन आइलैंड। क्लियर, जो एलुटियन आइलैंड है वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेगा। 66, विच द फॉलोइंग रिवर हैज द बार्ड फुट डेल्टा। बार्ड फुट डेल्टा आपका फॉर्मेशन करता है याद देखिएगा मिसिसिपी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है आपका मिसिसिपी नदी, और ये फॉर्मेशन करती है क्या, तो ये फॉर्मेशन करती है याद देखिएगा बार्ड फुट डेल्टा। क्लियर हो गया आपका, 66 का सही आंसर होगा आपका बी, मिसिसिपी। 67 क्या दिया है, विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहां पर क्या पूछा है, ये पूछ दिया है लोकल विंड्स के बारे में पूछा है, लोकल विंड्स कौन सा, लोकल विंड्स कहां पे देखने को मिलता है पूछा है, तो जो खामसी नहीं है साउथ नॉर्थ का अरबियन ठीक है आपका, बोरा एडियाटिक सी सही है आपका, मिस्ट्राल फ्रांस सही है, और समूह जो दिया गया है याद रखिएगा समूह एक्चुअली देखने को मिलता है कहां पे, सीरिया हो गया ठीक है, मिडिल ईस्ट जो कंट्री है मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, ये अमेरिका दिया है, तो सही आंसर कौन सा होगा आपका डी, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका डी। क्लियर, नेक्स्ट 68 आपको मैच करना है, यह बताया गया किसके बारे में, तो यह पूछा है ट्रॉपिकल साइक्लोन के डिफरेंट नेम कहां पे क्या क्या बोलते हैं। देखो टाइफून हो गया आपका चाइना, चाइना में बोला जाता है क्या, इसको टाइफून बोला जाता है ठीक है, चाइना में इसको बोलते हैं टाइफून। बैगोस को बोला जाता है मडागास्कर में, तो मेरे को पता है ए का तीन डी का चार, ए का तीन डी का चार किसमें, देखिए ए का तीन इसमें भी है, ए का तीन इसमें भी है, डी का चार किसमें है, डी का चार किसमें है ठीक है, सॉरी ए का तीन और डी का वन, सॉरी डी का वन होगा ना, सॉरी हाँ डी का वन, तो डी का वन किसमें है, देखिए डी का वन किसमें है, डी में है, ए का तीन और डी का वन, तो सही आंसर होगा आपका डी। क्लियर, सही आंसर क्या होगा आपका डी। क्लियर हो गया आपका, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 69। अब ये पूछा है किसके बारे में, ये पूछा है आपका क्लाइमेट के, कोपेन क्लाइमेटिक थ्योरी जो था, कोपेन क्लाइमेटिक थ्योरी के हिसाब से ये पूछा है, तो BWK क्या है, BWK है आपका याद देखिएगा क्या, तो BWK है आपका कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद BWH हो गया आपका क्या, हॉट डेजर्ट। तो ए का मेरे को चार पता चल गया, बी का मेरे को तीन पता चल गया, ए का चार बी का तीन, ए का चार बी का तीन आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चन आपका ओपीएससी ने, आपका जो ओपीएससी जो आपका एग्जाम हुआ था किसका, आप लोग बोल सकते हो क्या, ओपीएससी में जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है इसमें ये क्वेश्चन पूछा था ठीक है, ये क्वेश्चन जो ओपीएससी क्वेश्चन आया था इसमें क्या कहता था, ये क्वेश्चन पूछा था वहीं से क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। क्लियर, तो 69 का सही आंसर होगा आपका ए। 70 नंबर पे आ जाइए, 70 नंबर क्या दिया है, देखिए 70 नंबर, द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज फाउंड इन, वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको कहां देखने को मिलेगा, तो वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जो आर्कटिक ओशियन है ठीक है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है, देखिए सपोज ये एक लैंड है, क्लियर ये क्या है आपका लैंड है, और ये क्या हो गया किसी समुद्र के साथ लगा हुआ है, तो समुद्र का जो भाग लैंड के साथ लगता है उसी को बोला जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल सेल्फ।
ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, समुद्र का जो भाग आपका लैंड के साथ लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ किसका होता है, तो आर्कटिक ओशियन अगर देखने को मिलेगा उसका सदस्य कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। क्लियर हो गया आपका। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोस्नाइकल्स इज द ओल्डेस्ट। दो है, एक हो गया आपका अरावली और एक यहां पर होगा कौन सा आपका धरवार। ठीक है, धरवार जो है वो आपका क्या है, आपका ओल्डेस्ट होगा। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम द माइकल रेंज। देखिए तीन रेंज होता है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको तीन रेंज देखने को मिलेगा। क्लियर, इस प्रकार से तीन रेंज देखने को मिलेगा। तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है क्या, तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग आपका सतपुरा रेंज। क्या बोलते हैं इसको, सतपुरा रेंज हम लोग बोलते हैं। इस वाले को बोला जाता है, याद देखिएगा, राजपिपला हिल्स, राजपिपला हिल्स बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है आपका, याद देखिएगा, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। और इसको बोला जाता है आपका, याद देखिएगा, माइकल रेंज। ठीक है, माइकल रेंज। तो माइकल रेंज से तीन नदियां निकलती हैं, एक इस प्रकार से निकलती है जिसका नाम हो गया आपका नर्मदा, एक आपका उड़ीसा में आती है जिसका नाम हो गया आपका महानदी, और एक ऊपर की तरफ निकल जाती है नदी हो गया आपका सोन। तीन नदी निकलती है, यहां से निकलती है कौन सा, महादेव हिल से निकलती है आपका तापी। तो सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, तापी। क्लियर, कौन सा ओरिजिनेट नहीं होता है क्वेश्चन पूछेगा, तो सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, तापी। 72 का ए। नेक्स्ट 73 क्या दिया है, विच कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ऑक्युपाई द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो हम इंडिया में देखने को मिलता है आपको, यह देखिएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करती है, अपना पत्ता छोड़ती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का सही आंसर होगा आपका सी। 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द गुजरात प्लेन्स वाज फॉर्म बाय द डिपोजिशनल वार्क ऑफ पारलाल कॉन्सिक्वेंट रिवर। ये आपका सही स्टेटमेंट है। क्लियर, ये आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या दिया गया, ये आपका सही स्टेटमेंट है। देखिए गुजरात से क्या होता है, बहुत बहुत सारे नदियां पारलाल ही फ्लो करते हैं, जैसे कि आपका नर्मदा हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद आपका तापी हो गया आपका, माही हो गया आपका, साबरमती हो गया आपका। क्लियर, तो ये नदी सब फ्लो करती है कहां से, गुजरात से फ्लो करती है, तो जिनके कारण क्या होता है, गुजरात प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 74 का स्टेटमेंट सही है। द गुजरात प्लेन कंटेन्स द क्रेटेरियस लावा फॉर्मेशन। देखिए लावा फॉर्मेशन डोर्नली डेकान प्लेट्यू में देखने को मिलता है, डेकान प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या आपका, 74 का होगा सही आंसर ए। 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा क्या आपका ए। 75 पे आ जाते हैं। Whom of the following scholar did not delineate the climate region of India? Climate region of India किसने नहीं दिया था, तो ये होगा आपका A, Blandford H.E. Clear हो गया? Next, arrange the river in the ascending order of their contribution to the formation of coastal plain. Coastal plain में देखना है, तो सबसे पहले आपका महानदी, महानदी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद बैतारणी, बैतारणी के बाद सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा के बाद आपका रसिकुल्या। आंसर होगा 76 का डी। क्लियर, 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी। अब इसको मैच करना है आपको, मैच द मॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ द रोलिंग अपलैंड्स विद द करेक्ट रिवर बेसिन। कौन से रिवर बेसिन से बनता है देखना है हमको। चलिए देखते हैं। क्लियर, ये आपको मैच करना है। तो पहला इसका देखिए आपका राजगांगपुर एंड पानपोस। राजगांगपुर पानपोस आपका देखने को मिलेगा राउरकेला, ये हो गया कोयल रिवर। ठीक है, कोयल रिवर हो गया। झारसुकड़ा अपलैंड, झारसुकड़ा में कौन सा नदी देखने को मिलता है, झारसुकड़ा हो गया ईब नदी, ईब नदी देखने को मिलेगा। चलिए बलांगीर टिटलागढ़ पाटनागढ़ अपलैंड, बलांगीर टिटलागढ़ अपलागढ़ आपका तेल नदी। ठीक है, तेल नदी हो गया आपका, ये हो गया तेल नदी। और मालकानगिरी, मालकानगिरी एक बचा आपका सबरी नदी। क्लियर, तो आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, ए का चार, ये आंसर होगा आपका 77 का ए। ठीक है, 77 का ए। आगे बढ़ते हैं। रंगमाटी एंड रुगड़िया सॉयल बिलोंग्स टू विच प्राइमरी सॉयल ग्रुप इन ओडिशा। ओडिशा में देखने को मिलता है कौन सा सॉयल, लेटराइट सॉयल। लेटराइट सॉयल का नॉर्मली फॉर्मेशन कैसे होता है, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होता होगा, जहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता होगा, तो वहां पे जो सॉयल बनता है वो हो गया कौन सा आपका, लेटराइट सॉयल।
चलिए 79 क्वेश्चन आ जाए। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन मॉनसून इन इंडिया। फ्लक्चुएशन, मॉनसून हमारा क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका, याद रखिएगा, डी, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सेल ओवर द तिब्बतियन लैंडमास। तिब्बतियन लैंडमास, तो सही आंसर होगा 79 का डी। आ जाते हैं 9 आपका 18 नंबर पे। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच माउंटेन पासेस डज नॉट बिलोंग टू द करेक्ट स्टेट। ठीक है, बारह लच्छा पैलेस हिमाचल प्रदेश सही है, माना पे उत्तराखंड सही है, जिलिपला पास ये आपका सही नहीं है, नथुला पास सिक्किम, जिलिपला पास आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। क्लियर, तो सही आंसर होगा आपका 80 का सी। 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी। नेक्स्ट 81, द इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलता है, या देखिएगा, बिनोला हरियाणा। ठीक है, बिनोला हरियाणा में देखने को मिलता है क्या, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 82, द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इससे जो और क्वेश्चन क्या देगा आपको इस एग्जाम में, प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ पूछा है, कौन है आपका, वी आर चौधरी। वी आर चौधरी क्या है आपके, एयर स्टाफ के अभी चीफ है वी आर चौधरी। एमएम नरवणे आर्मी के रिटायर हो चुके हैं, आर्मी के चीफ थे, बिपिन रावत आपका पहले सीडीएस, और हरि कुमार आपके नेवाल के चीफ हैं। क्वाड, क्वाड किसको उसको लेकर बनाया है, तो क्वाड में आपको देखने को मिलेगा यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को लेकर बनाया है क्या आपका क्वाड, 83 का सी। 84, हु इज नोन एज द मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल ओमेन किसको बोला जाता है, तो ये बोलोगे आपका डॉक्टर टेसी थॉमस। मिसाइल मैन हो गया डॉक्टर अपीजे अब्दुल कलाम, और मिसाइल ओमेन हो गया आपका डॉक्टर टेसी थॉमस। नेक्स्ट 28 क्या दिया, देखिए, ऑन 28 जनवरी 2022 विच हेलीकॉप्टर वॉज ऑफिशियली इंडक्टेड इन टू द इंडियन नेवल शिप उत्तर कोस एट प्लोट ब्लेयर। कहां पे कौन सा आपका हेलीकॉप्टर को हमारे इंडियन नेवल शिप में उत्कर्ष में आपका इंडक्टेड किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, ALH MK2। नेक्स्ट 86, द ओनली एयरफोर्स ऑफिसर टू हैव द रिसीव परमवीर चक्र इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन क्या है आपके, एयरफोर्स ऑफिसर है जिनको परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था। पहले जिसको परमवीर चक्र मिला था वो थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। क्लियर, और ये हो गया कौन सा आपका फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखोंग, पहले एकमात्र आपके एयरफोर्स ऑफिसर जिनको क्या मिला है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं, परमवीर चक्र आपका सबसे बड़ा क्या है आपका गैलेंट्री अवार्ड होता है आपका इन द टर्म ऑफ वॉर, वॉर के समय साहसी कार्यों के लिए आपको दिया जाता है क्या, परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट S-400 मिसाइल सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया फ्रॉम, कहां से बोरोड किया गया है, तो ये बोरोड किया गया आपका याद रखिएगा रशिया से। कहां से बोरोड किया गया S-400, तो S-400 बोरोड किया गया आपका याद रखिएगा रशिया से बोरोड किया गया है। नेक्स्ट, इन ए बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत विच एयरक्राफ्ट इज वॉज गिवेन एक्सेप्टेंस टू द नेसेसिटी बाय द डिफेंस एजुकेशन काउंसिल इन June 2022 टू बी मैन्युफैक्चर बाय HAL। देखिए यहां पे आपको सिंपल सा मैंने लॉजिक लगाना है, यहां पे पूछा है क्या एयरक्राफ्ट के बारे में पूछा है। क्लियर, रफाल हम लोगों ने फ्रांस से खरीदा, मिराज रशिया से आता है, सुखोई 30 रशिया का है। क्लियर, बचा कौन सा, बचा एक थी डोर्नियर, तो डोर्नियर एयरक्राफ्ट क्या किया जाएगा आपका इंडिया में बनाया जाएगा किसके द्वारा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। 89 नंबर आ जाइए, इन जनवरी 2022 BRO बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द फाइनल ब्लास्ट ऑन द सिला टनल। द टनल इज लोकेटेड इन, टनल कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, जिसके कारण आपका आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो सही आंसर होगा 89 का डी। 90, द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन आर्मी। स्क्वाड्रन लीडर हो गया आपका एयरफोर्स का, तो स्क्वाड्रन लीडर के साथ कौन सा आर्मी का लीडर है, तो आपका हो गया मेजर, सबसे बड़ा रैंक हो गया आपका जनरल, जनरल के बाद हो गया आपका लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद हो गया आपका मेजर जनरल, मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद हो गया आपका कौन सा ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद हो गया आपका कर्नल, कर्नल के बाद हो गया आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, और लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद हो गया आपका कौन सा मेजर, तो मेजर आपका रैंक कैसा समान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री। देखो 2019 का करंट अफेयर पूछा है,
कब का करंट अफेयर पूछा है ये? तो 2019 का जो करंट अफेयर है, 2019 का ये करंट अफेयर आपसे पूछा है। तो जिसका सही आंसर होगा आपका, यहां देखिएगा, नोबेल प्राइज में किसको मिला था? तो जॉन बी गडरसन, एम एम स्टेनली, व्हाइट हैंग एंड अकारिया योशिनो। क्लियर। नेक्स्ट 92, विच रिसेंट ऑनलाइन कैंपेन लीड टू डिक्लेरेशन ऑफ जयपुर रेन फॉरेस्ट एज अ नेशनल पार्क इन आसाम? तो सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, सेब ध्यांग पटकाई। ध्यांग पटकाई नेशनल पार्क आपको आसाम में देखने को मिलेगा, तो उसको लॉन्च किया गया था। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस? साइंस के सर आपका करवा देंगे ये वाला। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट? साइंस के सर करवाएंगे। बायोलॉजी क्वेश्चन है 95, 96, 97, 98। विच इज द वर्ल्ड सोलर लार्जेस्ट सोलर पार्क? याद देखिएगा 98 का सही आंसर होगा आपका, याद देखिएगा, भदला सोलर पार्क इंडिया। ये आपका क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सोलर पार्क है, लार्जेस्ट सोलर पार्क है। क्लियर हो गया आपका। 98, व्हाट इज द मॉडलिंग? ये आपका साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के सर करवा देंगे। एंड द लास्ट वन 100, विच द फॉलोइंग इज द हाई एस्टिमेशन ऑफ? अच्छा इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, 79 देख लीजिए, 79 जो है देख लीजिए एक बार, 79 क्या दिया, सॉरी 99 क्वेश्चन क्या दिया, देखिए 99 में पूछा है, व्हाट इज द मॉडलिंग अप्रोच फॉर द इवैल्यूएटिंग द रिस्पांस ऑफ इंडिविजुअल स्पाइसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज कॉल्ड? तो क्लाइमेट चेंज कॉल्ड का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, याद देखिएगा, सी। 99 का सही आंसर होगा आपका सी, जनरल सर्कुलेशन मॉडल। एंड द लास्ट वन जो है 100 नंबर हुआ है, देखिए आपका, विच द फॉलोइंग हाई एसिमिलेशन एफिशिएंसी ऑफ ओवर 90%, 90% एफिशिएंसी किसका होता है? तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस। क्लियर हो गया। तो ये आपका जो कुछ सेक्शन था, बाकी जो फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये आपका अभी एक सर आएंगे जो कि आपका डिस्कशन उसका करवा देंगे। होप आप लोग का सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। क्लियर। और आज ठीक 7 बजे, ठीक है, 6-7 बजे बानी के यूट्यूब चैनल में हम लोग लाइव आएंगे बाय द कट ऑफ एनालिसिस एंड द क्वेश्चन स्टैंडर्ड को लेकर, कितना कट ऑफ जा सकता है उसका एक प्रेडिक्शन आपको दिया जाएगा। क्लियर। तो ठीक 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा बानी के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सहज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप? सिंगल सिटीजनशिप जोटा हमर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन हेची, सेरा को हमें बोरो करसन को कॉन्स्टिट्यूशन रु तुम्हारे ब्रिटेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और तुम यूके कॉन्स्टिट्यूशन कहींपर। तापर क्वेश्चन नंबर 32 देख, हु और विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 रू आर्टिकल 35 लिखाई, और फंडामेंटल राइट्स ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किए लगे पार। क्वेश्चन नंबर 32 रा आंसर हम पार्लियामेंट। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ये भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट रो ही क्वेश्चन, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A मेंशन करछि जोडा तुम्हारा अमेंड आर्टिकल 45 रो शिफ्ट हेतला। ठीक अछि, 86th अमेंडमेंट 2002 रे, तो आर्टिकल 21A रे तुम्हारा राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स, एटा मेंशन हेछि तुम्हारा आर्टिकल 21A रे, जोडा हमें आर्टिकल 45 जोडा तुम्हारा डीपीएसपी रे लिखा हेछि, डीपीएसपी रु आमे फंडामेंटल राइट को कौन करछन्ती ट्रांसफर करछन्ती, तो इट वाज शिफ्टेड, तो राइट टू एजुकेशन तुम्हारा आंसर हम क्वेश्चन नंबर 33 आंसर सी। बुझी पाइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देख, विच ऑफ द राइट्स डील्स विद राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया? राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड एटा होछ हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक अछि, क्वेश्चन नंबर 34 एटा आंसर हम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, Who or which of the following can abolish a state legislative council? देखो state legislative council को तुम्हारे abolish किए करी परिवो, state legislative council को abolish हमारे parliament करी परिवो। Question number 35 रे answer ये। All these are direct questions, जो तुम्हे note ही पढ़ दो दियो, ताल तुम्हारे आराम रे से question उड़ा तुम्हारे हेजियो। Question number 36 देखो, Which of the following articles of the Constitution of India refers to the proportional representation by means of single transferable vote? मन रखिबो ये जो इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कांसेप्ट आसीला माने दैट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। आ आमे जानछंती इंडिया रे प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आ तमरो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मनगर इलेक्शन, योडा सब तमरो टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक अछि, जो इनडायरेक्ट माने वी आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम ऑफ वोटिंग। ठीक अछि, आमे इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करंती नाही, को माने पार्टिसिपेट करिवे जो मेंबर्स माने पार्टिसिपेट करंती तांको आमे ना देछंती कोन आ तमरो इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज विषय रे हमरो आर्टिकल 54 रे लिखाइछ।
ঠিক আছে আর্টিকল 54 রে ইলেকট্রাল কলেজ বিষয়ে লেখা হয়েছি আর্টিকল 53 মেনশন করছি কোন না প্রেসিডেন্ট কর যে ফাংশনালিটিজ গুড়াক আছে যে পাওয়ারস গুড়াক আছে দ্যাট উইল বি এক্সারসাইজড বাই হিজ সাবঅর্ডিনেটস ইন দ্য নেম অফ দ্য প্রেসিডেন্ট তো 54 কি 53 এটি আনসার হবনি টিকে মুন্ড খটে দেব আনসার হব তোমার 55 যেউথরে তোমার ইয়ে সিঙ্গল প্রপোজ যে প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিন্স অফ সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট বিষয়ে লেখা হয়েছে ঠিক আছে কোশ্চেন নম্বর 36 বি তোমার ডাইরেক্ট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 37 দেখো In which year did the Constitution 99th Amendment, which was the NJSC National Judicial Appointment Commission, the NJSC was into force, introduced the answer was 2014, but the came into force, the answer was C. Emotionally, if you were 2014, then you will forget. So, you have to ask the came into force, the answer was C, 2015. Next question number 38. क्वेश्चन नंबर 38 देखो 38 देखो 38 कहूँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ भी तुम डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी रो चेयरमैन जनरली यूपीएससी रो चेयरमैन दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड ठीक अच्छे ना बट जदि यूपीएससी रो मेंबर ठीक अच्छे यूपीएससी रो मेंबर सी चाहिए कौन ना सी जदि तुम मेंबर्स रिटायरमेंट डेट सरला तुम मन 62 है ना सॉरी 65 है ना ताले ही कैन बी अगेन अपॉइंटेड एज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी तो प्रथम से नॉट करेक्ट द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इज इनएलिजिबल इटा ठीक अछि ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन मेंबर चेयरमैन हे परिवो जदी तारो वयस हे नथिबो 65 तो दिस इज आल्सो करेक्ट द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन शल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी दिस इज आल्सो करेक्ट बट ए मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन विल बी एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट माने तमे जदी यू माने तमर से कमीशन रे रहयो चाहो तमे हे परिवो किंतु अदर कमीशन से तमे अपॉइंट हे परिवो नाही तो तन क्वेश्चन नंबर 38 आंसर डी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो एटा प्राय प्रति क्लास रे प्रति डिस्कशन रे भी कुहा हिची विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज रिपीटेड आर्टिकल्स रिपीटेड रिपील्ड आर्टिकल्स 19 1 एंड 31 तमरो आर्टिकल 19 जो राइट टू प्रॉपर्टी जोडा थिला ठीक है ना 19 क्लॉज 1 एफ रो राइट टू प्रॉपर्टी जोडा राइट टू प्रॉपर्टी को हम डिलीट कर देछन थ्रू 44th अमेंडमेंट इन 1978 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 परे क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स सीएजी सीएजी को माने अपॉइंट सीएजी हमरो आर्टिकल 148 तापर तमरो को पार्ट लिखा छि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ की अपॉइंट करे सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती सीएजी को ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 40 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखो 41 टिके इनडायरेक्ट क्वेश्चन जदि तमे पढीतिबो भितरो टिके ताले हेतिबो तो 41 रे से कोछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सबमिटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए मास्टर की टू गुड गवर्नेंस रिपोर्ट ये रिपोर्ट तुम्हारा सेकेंड एआरसी कमिशन 2005 रे जोटा वीरप्पा मोइली का चेयरमैन कर ये रे तुम्हारा गठित होता एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन रिफॉर्म्स कमिशन टू ठीक अच्छे तो यही हम तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 41 रो डी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन हैज आइडेंटिफाइड 27 मोड्स ऑफ करप्शन यहाँ तुम्हारा आइडेंटिफाई करते विजिलेंस कमिशन यहाँ सेंट्रल विजिलेंस कमिशन क्वेश्चन नंबर 42 रे आंसर हबो बी नेक्स्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 280 होची तमरो फाइनेंस कमिशन ऑलरेडी मु स्ट्रेंथ को है तमरो क्लास रे भी को है छी स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंस कमिशन 1 + 4 1 होची तमरो चेयरमैन अदर हला अदर 4 मेंबर्स हला तमरो मेंबर्स अदर मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमिशन तो क्वेश्चन नंबर 43 रे आंसर होची सी ठीक अछि नेक्स्ट हमरो क्वेश्चन 44 देखो ये भी तुम्हारा टिके डायरेक्ट क्वेश्चन ही पड़ी टिके मुंडो किंतु खटे पड़ो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन माने जो डेमोक्रेसी तुम कहो से डेमोक्रेसी रो माने तुम एमती कही परिवो सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन आमे आमर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करिवा इलेक्ट माने तुम्हारे ये आंसर हबो कौन इलेक्शन क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हबो बी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 एटा डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया सर्विसेज ए ऑल इंडिया सर्विसेज जोड़ा आईएएस हो आईपीएस हो और आईएफएस हो ताकू क्रिएट करियर पावर दिया है दैट इज ए स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा एंड आंसर हबो कोन 45 रो ए बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 46 हे जाय छी 47 देखो 46 भी जदी विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज लेड डाउन द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी एटा को कमिटी हबो मास्टरमैन कमिटी ठीक अछि 46 रे आंसर बी नेक्स्ट इन विच फाइव ईयर प्लान्स इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट टाइम
ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন মানে তুমি দেখিথিব যেটা তোমার ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানর থিম কুহাইছিল মানে কোণ তুমি কুহাইছিল সস্টেনেবল গ্রোথ উইথ ইনক্লুজন ঠিক আছে না তোমার যে থিমটা লা ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার যে ইনক্লুজন লা সে ইনক্লুজনের সবুতক ইনভলভ হয়েছে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজন মানে ইয়ে কনসেপ্ট ইনক্লুজনর কনসেপ্টটা প্রথম থরপাই ইলেভেন্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানরে আসা ट्वेल्थ फाइव इयर प्लान रे से माने फाइनेंशियल इनक्लूजन कनसेप्ट को कौन कले जितने तुम जो जनधन योजना कनसेप्ट आसाला तो से कौन सबूतक इंडियंस मानक बैंकिंग एक्सेस दिया हो बट ये क्वेश्चन पचारा इन विच द कनसेप्ट अफ फाइनेंस वाज इनक्लूडेड फर द फर्स्ट टाइम पचार तो फर्स्ट टाइम इनक्लूजन कनसेप्ट इलेवेन्थ फाइव इयर प्लान आसाला यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्रु आम क्वेश्चन नंबर 47 आंसर हम डी ठीक अच्छे नेक्स्ट এইটা বি তোমার পভর্টির আসেসমেন্ট আজিকা ডেট্রে কি করুচি নীতি আয়োগ করুচি 48 র আনসার হব সি নেক্সট অ্যাডপ্টেড দ কনসেপ্ট অফ রোলিং প্ল্যান 1978 রু 1980 মোরাজি দেশাই গভর্নমেন্ট ইন্দিরা গান্ধী যেতলে তোমার স্পেশাল পাওয়ার যে তোমার এমার্জেন্সি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি লগাইলে তারপরে মোরাজি দেশাই নিউ তোমার আন্টি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তুমি কইপারিব অর নিউ নন কংগ্রেস ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট আসছিল মোরাজি দেশাই অন্ডরে জনতা পার্টি তো জনতা পার্টি সেই টাইম ইন্ট্রোডিউস করলে দ কনসেপ্ট অফ রোলিং প্ল্যান তো সেতলে জনতা পার্টির লিডর আমার থিলে কি মোরাজি দেশাই ঠিক আছে কোশ্চেন নম্বর 49 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देख ये भी तुम पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन विच आर द लिस्ट कंटेन्स इकोनॉमिक प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग तुम को लिस्ट अच्छी कनकरेन्ट लिस्ट अच्छी क्वेश्चन नंबर 50 आंसर हम तुम ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी फर्स्ट चेयरपर्सन हूँ तुम रंगनाथ मिश्र क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हम ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देख 93 क्वेश्चन हूँ तुम ग्रीन हाउस गैस विषय अच्छी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस विच अफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस कौटा तुम ग्रीन हाउस गैस नुह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब ओजोन नाइट्रोस ऑक्साइड जोड़ा लाफिंग गैस भी कहा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी ऑल दीज आर ग्रीन हाउस गैस बट NO2 इज नॉट योर ग्रीन हाउस गैस क्वेश्चन नंबर 93 आंसर हम सी और क्वेश्चन नंबर 95 व्हाट आर पारासाइटिक एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट्स कॉल्ड एम कहा जाए तुम होलो पारासाइट्स ठीक अच्छे तो क्वेश्चन ओवरऑल जीएस रो ज्योग्राफी आउ करंट अफेयर्स तुम्हें जब भलसे कर दे थो ताहले माने तुमर भल हो मैंने जदि मिनिमम भी तुम जीएस रे आई थिंक कि मैंने 100 क्वेश्चन रु तुम जब 60-70 मार्क्स जमी लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छी जब 60-70 भी तुम रखिपुच तेल इट इज वेल एंड गुड ठीक अच्छे आउ जदि मैंने मैंने यहाँ एक्सलेंट स्कोर में जीव आ 40-60 भितर जब रोच यहाँ तुम गुड रे जीव ता तलू हेले इट इज डेंजरस जो ठीक अच्छे ना क्वेश्चन लेवल टिके टफ अच्छी है करंट अफेयर्स भी टिके टफ अच्छी 2019 भी करंट अफेयर्स किसी क्वेश्चन पड़ जाए ज्योग्राफी टिके ऑप्शनल लेवल रो क्वेश्चन आसी ऑप्शनल जो आम आईएएस फाइएस सब दिखते से लेवल रो क्वेश्चन आसी बट स्टिल जदि तुम्हें जब भल से पढ़ीच भी तुम मैंने पूरा डीप जा पढ़ीच ताले तुम 60-70 स्कोर कर पार जब पॉलिटी सब तक क्वेश्चन तुम अटेंड कल जी क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करेली से अटेंड कर दे सहित तुम करंट अफेयर्स आउ हिस्ट्री क्वेश्चन भी अटेंड करो तो तुम मैक्सिमम स्कोर 60-70 जब रखुच दे तुम लेवल बहुत ही भल अच्छी भल लेवल भी तुम रोक जब 40-60 भितर रही है तुम लेवलटा कौन रहा तुम आवरेज मैंने कौन कहल गुड लेवल तुम रहा तलू डेंजरस जोन आस ठीक अच्छे तो आई थिंक कि तुम भल कर थैंक यू वेरी मच।